हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम खेलेंगे फ्री फायर प्रीकल की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम करने वाले हैं इस रिपोर्ट को हम भराने वाले हैं। इसने मुझे कस्टम का चैलेंज दिया है भाई, मुझे बोल रहा था कि तू मुझसे हार जाएगा भाई। बगड़ा बोलते हैं भाई, क्योंकि पुसर भी बोलते हैं भाई। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, जैसे बुलाते हैं रिपोर्ट को। यहाँ पर रिपोर्ट आ चुका है, यहाँ पर जो ये मैच होगा 1v1 करने का चैलेंज दिया है मैंने भी, और उसने भी दिया है। वो मुझे माफ़ी मांगेगा ज़रूर, मैं उसे हरा के दिखाऊंगा। जैसे कि आज हम जीतने वाले हैं उससे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर तो लोइन बहुत देर से हो रही है भाई, मैं तो बातें में ही बहुत कॉइन 1500 थे। एन 90 बोल लेते हैं और एक ग्लोबल लगाते हैं, लगाते नहीं ले जाते हैं भाई। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, वहाँ पर काम नहीं करना भाई। और मैंने सुना है बहुत ही प्रो है, मैंने एक दो मैच उसके साथ खेला है, मेरे फ्रेंडलीस में है ना भाई, मेरा दोस्त है ना, उसके लिए मुझे पता है बहुत ही पुश करता है भाई। कस्टम में तो पुश नहीं किया पड़ेगा लगता है भाई। कहाँ क्या भाई, मिल जाना भाई, क्यों इतना डरते हो भाई, कस्टम में भी डरते हो। इतना फायर कर रहा हूँ, आराम से बाहर भी आ रहा हूँ, एक डैमेज तो देखो देखा। और यहाँ पर बहुत देर खोजने के बाद मुझे यहाँ पर मिल चुका है वो, हम क्या कर रहा है नहीं है ना भाई। उसके लिए उसने रिपोर्ट दिया है, लेकिन कोई बात ना, उसे रिपोर्ट दे दिया रिपोर्ट। वो एक रैंडम नाम है लगता है, तो नाम देता है। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है, उनका नाम रिपोर्ट होता है भाई, रिपोर्ट 1-4। अरे भाई कैसा डैमेज दे रहा भाई, ऐसा मत बोलिए। बार तो मारूंगा भाई, हेड नहीं लगेगा तो मारूंगा भाई। मुझे पता है मैं बहुत बड़ा नूबड़ा हूँ, तो मार ही देते हैं ठीक ठाक भाई। यहाँ पर ये हेड ना मारने वाला सब गेम प्ले मैंने देखा है, ठीक ठाक खेल लेता है भाई। तो हुकन कैरेक्टर लग रहा है भाई, बहुत खतरनाक है। और थोड़ा सा बाहर आता है भाई, और दो तो चिप्स का पड़ा है, इतना लॉस कर दिया। ओ भाई कितने देर से मारा भाई, अच्छा लगता है मैच। यहाँ पर तो अनलिमिटेड ग्लोबल है, तो हमको ग्लोबल की कोई जरूरत नहीं। और जैसे बोल रहा है ग्रेनेड अलाउड नहीं है, मेरे पास तो दो ग्लोबल है, दो तो कोई काम का नहीं है, एक भी काफ़ी होता क्योंकि ये लिमिटेड है। मनो ने सेट कर दिया मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने सेटिंग में मैंने कर दिया भाई, क्योंकि मैंने कस्टम बनाया ना भाई, मेरे पास है नहीं लूबड़ा ऐसे बॉड। हम बॉड बनाए भाई मुझे मिला था, एंट्री डायमंड में मिल गया था M10, फिर ही M10 स्किन है। मेरे पास ज़्यादा स्किन नहीं है भाई, एक हेस्ट भी हमने ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके हमने लेवल अप करा माइनक्राफ्ट में, जैसे फार्मर बनते ना यहाँ पर हम हेस्ट बनते हैं। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, फिर हम मारते रहो, कभी कभी
हेड लग जाता है और एक डैमेज भी हमारे लिए बहुत ही काफी होता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और नए भी हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे तो हम आराम से मार देंगे इसे मुगड़ों को, पास से आ रहा है भाई। हम थोड़ा थोड़ा एक लुबा लगाते लगाते उसके पास पहुँचते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं भाई, वहाँ पर वो मुगड़ा है ना वहाँ पर रहेगा। और अरे ऊपर मारो दो शॉट में मर गया, इसके बाद आर्मर में था गया। इस बार भाई क्या गया था इसका नाम M1887 गया था और ड्राइवर हमने दोनों चोरी कर लिया भाई। इसके पास कोई रिटर्न नहीं था। इस बार में थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते रहते हैं, उससे लूटते हैं भाई। लेना नहीं चाहिए भाई, एक गन से भी हो जाता है भाई। दो दो गन हम इससे खेल लेते हैं, लेकिन दो दो गन फ्री में मिल गया तो ले जाते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, फ्री में तो मिल रहा भाई। और ऐसे ही तो 1500 डिफॉल्ट गन था भाई, 1500 में आराम से मैंने एक गन खरीद लिया था N94, लेकिन मैंने एक्सचेंज कर दिया है। और भाई मिल जाना भाई, कितना मुश्किल है भाई। दो दो ग्लोबल लगाते हैं, ऊपर से मार दिया तो यार पूरा ही मर जाएंगे ना भाई। यहाँ पर उसके लिए मैंने दो दो ग्लोबल लगाया, घर के अंदर तो नहीं गया है। अरे वहाँ पर लगता है, चलो यहाँ पर ग्लोबल लगाते लगाते चलते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी हो सकता है भाई कुछ भी, मतलब वो बहुत ही बड़ा पुशर है, उसके पास बहुत बहुत आइडिया भी है। वहाँ पर जी जाएगा, वहाँ पर रह जाएगा और मार भी देगा, जहाँ से भी हमें मार सकता है। तो हम थोड़ा सा सिक्योरिटी साथ रखते हैं, मतलब इसीलिए मर गए तो बहुत ही बुरा लगता है भाई, और हार गए तो मुझे वो बहुत चिढ़ाएगा। उसके लिए उससे डर डर के खेलो, डर डर के खेलना है क्या, खेलना है भाई अच्छे से खेलो तो मैं भी अच्छे से ही खेलूँगा। आ जाना भाई, इतना कौन डरता है भाई, कस्टम तो है भाई, इतने डरते हैं ये लोग। वहाँ पर आलू भी हम कर देते भाई, क्या ही डैमेज दिया है भाई, लगता है हेड लगा है पूरा मुंडी में। अरे ग्लोबल भी थोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि वो मैंने एक मिनट की छोड़ दिया नहीं तो भाई मेरा तो हो जाता बहुत ही बुरा। उसके लिए मैं भी अच्छे से ही रहता हूँ भाई भाई भाई। अरे घुस गए भाई, वहाँ से हम थोड़ा सा रह जाते हैं भाई, क्योंकि मैंने बेकार में मशरूम नहीं लिया भाई, इससे हमारा लाइफ भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर EP से HP होता रहेगा। अरे 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 कहाँ पे घुस रहे थे, यहीं पर यहीं से लगा मेरा मजाक नहीं था भाई, बहुत ही अच्छा से मारा भाई। थोड़ा सा हम रिपेयर भी कर लेते हैं, रिपेयर भी मैंने कर दिया है यहाँ पर। आप यहाँ पर कहाँ फिर चल गया भाई, कहाँ मर गया, आ जाना बे, जिता दूंगा भैया, फिर भी नहीं आ रहा है। आलोक दूंगा बस, तो हुकुम है आलोक दूंगा। आ जा आ जा जल्दी आओ, बहुत कुछ करते हैं मिल भी नहीं रहा। सीढ़ी से नीचे उतर रहा था भाई, मैंने देखा उसे अभी अभी देखा, से डम खत्म भाई। बोर लग रहा है भाई ऐसे मुंगों को रहते रहते, से तो मैंने बचपन में भी नहीं खेला फ्री फायर के, से नूबड़ों से कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नूबड़े। लेकिन भाई साहब वहाँ पर तो फिर से उसने पूछ कर, नहीं 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 भाई इस बार वो पूछने को रहा लगता है। ग्लोबल तो एक लगा है भाई, एक जगह पे लगा देता और चले जाता भाई जहाँ जहाँ मन थी। यहाँ पर लगा दिया है और वहाँ पर होगा भी नहीं, मुझे पता है वहाँ पर जाके कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन वहाँ से डैमेज देता था। और यहाँ पर मुझे बहुत समय के खोजने के बाद फिर से सिरास मिल गया है, मतलब रिपोर्ट मिल चुका है यहाँ पर। अबे कैसा ग्लोबल लगाता है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ऐसे ही नहीं मारते भाई, उसके पास फेस्ट भी नहीं है। तो 200 में पूरा ख़त्म,
बड़ा रुक रुक के खेलते हैं भाई। नहीं नहीं भाई, मेरे ही ग्लू बॉल से अपना कवर ले जाएगा, वो मुझे मार देगा। अभी मार देते हैं भाई, जोन आ रहा है तो उसे जरूर से आना पड़ेगा भाई। लिख क्यों ऐसा कैसा बॉम फेंक रहा है भाई। भाई चीटिंग करना शुरू ही कर दिया भाई उसने। देखा जब हारते रहते हैं ना ये नूबड़ो, यही प्रॉब्लम है इस नूबड़ो को। अपने दम से खेलो भाई, ये बॉम कोई चीज है जो उसे फेंकते हो भाई और चीटिंग करते रहते हो भाई। इस बार भी हम बेस्ट रिपेयर कर लिए हैं। इस बार इतने कंट्री हमने 3-4 भाई आराम से, लेकिन हम ग्रेनेड ले लिए थे तो हम ग्रेनेड को फेंक लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे। उसे चीटिंग करने दो भाई, चीटिंग जितना करना है कर, इतना मर्जी कर, लेकिन हम कभी चीटिंग नहीं करते भाई, क्योंकि हमें ऐसा चीटिंग करने का कोई सीख नहीं है। यहाँ पर लगता है पीछे से आ रहा है भाई, तो यहाँ पर कहाँ पर तो होना ही चाहिए उसे, उस गाड़ी के पीछे लगता है। We'll be right back.